Hello fans, welcome to Agriculture War YouTube channel. In this presentation, we discuss the important physiological disorder of mango along with their possible management strategies, which will certainly help the farmer in timely overcoming this malady for getting remunerative prices from mango cultivation. First, we understand what is the physiological disorder. As you can see, any kind of abnormally in economically important part of fruit or अदर पार्ट दैट कंट्रीब्यूट टू यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट इस टर्म इज एज फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर यदि बात करें फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर की तो ऐसी किसी भी प्रकार की असमानता जो पौधे के हमारे बाही विभाग या फिर उसके फलों पर या फिर तने पर या फिर पत्तियों पर जो दिखाई दे तथा जो हमारी उपज में सहभागिता करता हो उसमें किसी भी प्रकार की असमानता हमको दिखाई देना वह हमारा फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द रीजन ऑफ फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर तो फर्स्ट इज डेफिशंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रेन देन सेकेंड इज सडन फ्लक्कुलेशन इन टेम्परेचर देन थर्ड इज़ पुअर सॉइल कंडीशन एंड इम्प्रॉपर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी डूरिंग द कल्टिवेशन यदि बात करें हम रीज़न की कारण की बात करें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की तो वो क्या हो सकती हैं पहला है हमारा माइक्रोन्यूट्रिय की कमी हो सकती है यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी कमी हो सकती है दूसरा है सडन फ्लक्कुलेशन इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में अस्थिरता यानी कि कभी हमारा तापमान तेज हो जाता है कभी कम हो जाता है ये भी एक कारण है हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का देन थर्ड है पुअर सॉइल कंडीशन यानी कि जो हमारी भूमि है जो सॉइल है मिट्टी है उसमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है मृदा की उर्वरता अच्छी नहीं हो सकती कम हो सकती है इसकी वजह से हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है एंड लास्ट है हमारा इम्प्रॉपर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द कल्टीवेशन यानी कि जब हम कल्टीवेशन करते हैं अपनी क्रॉप्स की तो जो मॉइस्चर है उसकी इम प्रॉपर तरीके से अवेलेबिलिटी होती है यानी कि अच्छी तरह से हमारे पौधे को मॉइस्चर यानी नमी की प्रतिशत मात्रा वो प्राप्त नहीं हो पाती कभी अधिक मात्रा में नमी हो जाती है कभी बिल्कुल प्राप्त नहीं होती नमी तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के फर्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आल्टरनेटिव बियरिंग आल्टरनेटिव बियरिंग फिजोलॉजिकल डिसऑर्डर इन मैंगो क्रॉप दैट इज ए आल्टरनेट बियरिंग इज ए वेरी सीरियस एंड ओल्ड प्रॉब्लम इन मैंगो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हैवी क्रॉप इन वन ईयर और वेरी लिटिल क्रॉप इन द नेक्स्ट ईयर वाट इज़ द काजेज ऑफ आल्टरनेट बियरिंग दैट इज ए वेराइटियल डिफरेंस ग्रोथ हैबिट्स क्रॉप लोड्स कल्चरल प्रैक्टिस सेक्स रेशियो इंसेक्ट पेस्ट एंड डिस बात करेंगे आल्टरनेट बियरिंग की हमारी मैंगो की फसल में है ना एकांतरत फलन यानी कि एक साल फल आए एंड दूसरी साल कुछ भी नहीं आता ठीक है एक साल तो बहुत सारी उपज होती है आप स्लाइड में देख सकते हो तो जहाँ मैंने वन लिखा हुआ है ऑन द ईयर फ्रूटिंग यानी कि जब फल बहुत सारे आए एक साल लेकिन देन सेकंड जहाँ सेकंड लिखा हुआ है आप देखिए ऑफ ईयर ऑफ फ्रूटिंग यानी कि प्रथम ईयर तो बहुत सारी फलन होगी लेकिन सेकेंड ईयर में कोई भी फलन नहीं आती है उसका कारण क्या हो सकता है कारण हो सकता है उसका वैराइटियल डिफरेंस यानी कि ऐसी वेराइटी हो सकती है जिसमें एकांतरित फलन पाया जाता हो आल्टेनेटिव बियरिंग पाई जाती है यानी कि एक साल उसमें फल आते हैं देन सेकंड सा ईयर उसमें फल नहीं आती और क्या कारण होता है ग्रोथ हैबिट हो सकती है देन थर्ड है हमारा क्रॉप लोड यानी कि फसल पर हमारा लोड हो सकता है कल्चरल प्रैक्टिस हो सकती हैं सेक्स रेशियो सेक्स रेशियो बहुत वैली वेरी करता है हमारा अल्टरनेट बियरिंग में कैसे करता है सेक्स रेशियो यानी कि मेल पार्ट अधिक हो सकते हैं फीमेल पार्ट की तुलना में तो इसलिए अल्टरनेट बियरिंग होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है और क्या हो सकता है इंसेक्ट एंड पेस्ट डिजीज का हमारा जो अटैक हो सकता है हमारे क्रॉप्स पर तो इसलिए अल्टरनेट बियरिंग हो भी सकती है फिर इसका कंट्रोल क्या है कंट्रोल की बात करें तो फर्स्ट इज़ यूज एन एथाइल रिलीजिंग कंपाउंड एथीफोन इंक्लूडिंग फ्लावर एवरी ईयर देन सेकंड द कंसेंट्रेशन ऑफ एथीफोन 200 हंड्रेड पी पी एम कपलेट विद पॉइंट वन परसेंट यूरिया वॉज फाउंड इफेक्टिव इन इंक्लूडिंग रेगुलर फ्लावरिंग ओवर द ईयर एप्लीकेशन ऑफ पैक्लोब्यूट्राजिल एट द रेट टेन ग्राम एक्टिव इन्ग्रीडियंट फॉर नॉन बियरिंग ट्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्ट नाइन ऑफ सेप्टेम्बर विल इंड्यूस फ्लॉवरिंग एंड फ्रूट सेट यील ड्यूरिंग ऑफ वीयर द लास्ट इज ग्रोविंग ऑफ रेगुलर वियरिंग कल्टीवर लाए के आम्रपाली यदि बात करेंगे इसके कंट्रोल की इसका नियंत्रित कैसे किया जाएगा तो हम ऐथलिन रिलीज कंपाउंड का यूज़ करेंगे जैसे कि हमारे एथिफोन ठीक है एथिफोन का यूज कर सकती है कब करें एथिफोन का यूज हम एथीफोन का यूज करना चाहिए हमको फोर्थ नाइट ऑफ सेप्टेम्बर या फिर पैक्लोब्यूटाजिल का यूज करें और साथ में एथीफोन की 200 सौ पी की मात्रा साथ में उसमें एक परसेंट हमारी यूरिया की मात्रा को दोनों मिक्स करके अगर स्प्रे की जाए हमारे पौधे या प्लांट के ऊपर तो उसमें जो रेगुलर फ्लावरिंग आने की संभावना अच्छी रहती है ठीक है और क्या कर सकते हैं हम ग्रोविंग ऑफ रेगुलर बियरिंग कल्टीवर यानी कि ऐसी कल्टीवर को हम उगाएँ जिनमें रेगुलर हमारे फलन आने की संभावना रहती है यानी कि एक साल फल आए दो साल फल ना आए ऐसा ना हो रेगुलर फल आते रहती हूँ जैसे कि हमारे आम्रपाली कल्टीवर को उगाएं तो उसमें रेगुलर फल आते हैं उसमें एकांतर फलन की समस्या नहीं होती है नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करेंगे दैट इज़ ए क्लस्टरिंग यानी कि झुमका झुमके के नाम से इसे लोकल स्थानीय भाषा में जाना जाता है है क्या ये आखिरकार इट इज़ इम्प्लाइज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इन क्लस्टर एट द टेप ऑफ द पेनिकल एंड सच फ्रूट डू नॉट ग्रो बियॉन्ड द पी और मार्बल स्टेट एंड ड्रॉप डाउन आफ्टर ए मंथ ऑफ फ्रूट सेट यानी क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग की बात करें झुमका की बात करें तो इसमें जो हमारी फल जो होती हैं वो मटर के दाने के बराबर ही बढ़ती हैं ठीक है ठीके? और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती फल फूल ही आते रहते हैं अगर फल बनते भी हैं तो मटर के दाने के बराबर ही बढ़ते हैं उससे ज़्यादा बड़े नहीं होते और और बन भी जाती हैं वो तो टाइम से पहले ही एक महीने से पहले पहले ही वे झड़ करके नीचे गिर जाती हैं अब इसका कंट्रोल क्या होगा कारण क्या हुआ और कंट्रोल क्या होगा कारण की बात करें तो मेनली इट इज़ द ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन यानी कि जो पराकट है जो फर्टिलाइजर जो निशेचन की क्रिया है वो नहीं हो पाना एब्सेंस ऑफ सफिशेंट पॉपुलेशन ऑफ पॉलीनेटर इन द दर्चर्ड यानी कि बागान में जो हमारी पॉलीनेटर हैं जो हमारी पॉलीनेटर का कार्य करते हैं उनकी कमी होना अब आपको यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बता दूँ मैंगो की क्रॉप में जो पोलिनेशन का काम करता है पोलीनेटर का जो काम करता है वह हमारा हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई जो है घर की जो मक्खी होती है हाउस फ्लाई जो होती है वो इसमें पोलिनेटर का, का काम करती है उनकी अगर संख्या में कमी है हमारे ऑर्चर्ड में तो हमारे अच्छे से हमारे ये पॉलीनेशन नहीं हो पाएगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से हमारे झुमका की जो बीमारी हमारी मैंगो क्रॉप में लगने की संभावना अधिक रहती है नेक्स्ट है हमारा कारण इंडिस्क्रिमिनेट स्प्रे ऑफ द पेस्टिटाइड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग यानी कि अच्छी तरह से हमने जो हमारे पेस्टिसाइड है उनका छिड़काव कर दिया है नहीं कर पाए हैं हम फ्लावरिंग टाइम पर यानी कि जो फ्लावरिंग टाइम जब फूल जब आ रहे हैं हमने उस समय हमें पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करना था लेकिन हमने फिर भी कर दिया तो अच्छी तरह से छिड़काव नहीं हो पाया है एडवर्स क्लाइमिंग डूरिंग द फेबरी मार्च पार्टिकुलर द लो टेम्परेचर यानी कि जो हमारी क्लाइमेट है जो हमारी जलवायु है फरवरी तथा मार्च में वो लो टेम्परेचर हो जाता है वहाँ ज़्यादा तो इस वजह से भी झुमका की जो डिसऑर्डर है वो आने की संभावना अधिक होती है कंट्रोल कैसे किया जाएगा इसे स्प्रिंग ऑफ पेस्टिटाइड डूरिंग द फ्लावरिंग शुड भी अवॉइडेड यानी कि जो फ्लावरिंग का टाइम है जब फूल आते हैं उस समय पर हमें पेस्टिसाइड छिड़काव नहीं करना चाहिए ये भी एक कारण था कि इंडिसक्रिमिनेट स्प्रे ऑफ द पेस्टिसाइड यानी कि जो पेस्टिसाइड है हमने उनका छिड़काव कर दिया है फ्लॉबरिंग के समय पर तो सबसे पहले तो ये करें फ्लॉबरिंग के समय पर हमें पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करना है देन सेकंड क्या करें इन ओल्ड ऑर्चर्ड ए फ्यू ब्रांचेस शुड बी टॉप वर्क विद द पोलिनाइजिंग वेराइटी लाइक ए बॉम्बे ग्रीन जो कुछ हमारे जो ऑर्चर्ड हैं जो बागान हैं उनकी जो कुछ ब्रांचेज हैं वो ऊपर की जो ब्रांचेज हैं वो काम करती हैं पोलिनाइजिंग वेराइटी का ठीक है जैसे कि बैम्बू ग्रीन इंट्रोड्यूस ऑफ बी इन ऑर्चर्ड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन फॉर द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉलिनेशन यानी कि इंट्रोड्यूस करें बहुत सारे हम उगाएं क्या बी हीव्स यानी कि जो हमारी जो हाउस फ्लाई हैं जिससे कि हमारी जो पॉलिनेशन होने की संभावना अधिक हो जाए नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक टिप ब्लैक ट्यूथ डिसऑर्डर द डिजल एंड ऑफ द अफेक्टेड फ्रूट एक्सिविट एटलेसन पैचे ऑफ मीजोकार विच टर्न ब्लैक ऑन बिकम हार्ड द अफेक्ट फ्रूट ड्रॉप प्री देन दशहरी इज़ द हाईली ससेप्टेबल वन वाइल द लखनऊ सफेदा इज द लिटिल लिस्ट ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने ब्लैक टिप की यानी कि काला सिरा या फिर काला सिरा रोक कहते हैं हम इसको तो इसके कारण क्या हो सकता है द डिजल एंड ऑफ द एफेक्टेड फ्रूट एग्जिबिट एक्चुलेसन पैचेज यानी कि हमारा जो फल है उसके लास्ट में एंड पर जो उसकी नोक है हमारे आम की वहाँ पर उसका काला काला पैचेज़ पड़ जाएंगे उसके मीज़ोकार पर है ना और वो काला पड़ जाएगा और हार्ड हार्ड हो जाएगा यानी कि कठोर हो जाएगा द अफेक्टेड फ्रूट ड्रॉप प्री मेचोरिटी यानी कि पकने से पहले ही जो अफेक्टेड प्लांट हैं जो प्रभावित हमारे फल हैं वो पकने से पहले ही टूट करके नीचे गिर जाएंगे जो दशहरी जो कल्टीवर है हमारी आम की वो ज़्यादा सेंसिटिव है यानी कि अधिक प्रभावित होती है हमारी इस काला सिरा रोग से और लखनऊ सफ़ेदा जो वेराइटी हमारी आम की वो कम प्रभावित होती है लेकिन प्रभावित होती है यदि कॉजेज की बात करेंगे दिस डिस दिस डिसऑर्डर हैज़ मेनली डिटेक्टेड इन ऑर्चर लोकेट इन वेसिनिटी ऑफ ब्रिक क्लिन यानी कि आसपास में यदि भट्टे के जो ईट वाले भट्टे हैं उसकी चिमनियां हैं तो इस रोग के होने की संभावना हो सकती है क्यों हो सकती है गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एंड एथलीन कंस्टिट्यूटिंग द प्यूम्स ऑफ brick क्लिन damage ग्रोबिंग टिप ऑफ फ्रूट एंड गिव राइज टू द symptom ऑफ ब्लैक टिप यानी कि जो भट्टे की जो चिमनी है यदि आस पास है उनसे एक गैस निकलती है क्या हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एथलिन गैस निकलती है जो हमारे काला सिरा रोग करने की संभावना अधिक हो जाती है कंट्रोल कैसे कर सकेंगे स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ऑर्चर्ड अवे फ्रॉम ब्रिक्स क्लिन बाय द लीस्ट वन किलोमीटर इन ईस्ट टू वेस्ट एंड पॉइंट एट किलोमीटर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड इंक्रीजिंग द चिमनी हाइट टू एट लीस्ट फिफ्टीन टू एटीन मीटर कैन वी प्रिवें मीचर फॉर द मीजर फॉर द मेलाडे यदि बात करेंगे हम इसके कंट्रोल की तो जो हमारी भट्टी की जो चिमनी है या तो वो पंद्रह से अठारह मीटर ऊँची होनी चाहिए या फिर हमारा जो बागान है कम से कम डेढ़ किलोमीटर हमारा भट्टे की चिमनियों से दूर होना चाहिए जिससे कि जो धुआँ निकलने वाला है जो हानिकारक गैस निकलती है वो ना निकले और हमारे जो कालाश्र रोग होने से बच जाए यदि कालाश्र रोग हो भी गया है तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे स्प्रे वन परसेंट बोरेक्स दैट इज़ टेन ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं बोरेक्स का अब बोरेक्स में बोरोन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है ग्यारह ठीक है तो स्प्रे वन परसेंट बोरेक्स यानी कि दस ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं कम कर सकते हैं हमारे फ्लावरिंग टाइम पर देन सेकंड ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड थर्ड एंड फ्रूट सेटिंग ठीक है प्रथम हम करेंगे हमारा फ्लावरिंग से पहले देन सेकंड करेंगे हम फ्लावरिंग के टाइम पर एंड थर्ड करेंगे हम फ्रूट सेट यानी कि फल बनते समय पर ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगो मेल फॉर्मिनेशन मैंगो मेल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये एक वेजिटेटिव मैंगो मेल फॉर्मेशन होता है एक होता है फ्लोरल मैंगो मैंगो मेल फॉर्मेशन यानी कि यदि बात करेंगे वेजिटेटिव की तो इसमें सिर्फ वानस्पतिक वृद्धि ही हो सकती होती रहती है और फ्लोवर मैंगो मेल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ पुष्प ही बनती रहती है कौन से मेल फ्लॉवर ज़्यादा बनते हैं फीमेल की तुलना में और फ्रूट नहीं बनते कॉजेज़ की बात करेंगे तो साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री रिपोर्टेड दैट फंगाई फ्यूजेरियम नॉलिली फॉरम वेराइटी सब्गुलिटाइनिस इज़ हाईली एसोशिएट विद द डिसऑर्डर टेम्परेचर रेंज ऑफ द इक्कीस से लेकर सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड यदि बात करेंगे हम इसकी तो एक फंगाई है जो फूजेरियम मोलीफोरियम जो है जो करता है इसको फंगाई किसको हमारे मैंगो मेल फॉर्मेशन को यदि बात करेंगे टेम्परेचर की तो टेम्परेचर को जो 21 से 27 से अधिक हो जाए हमारा टेम्परेचर या फिर 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए और या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी पचासी परसेंट डूरिंग द लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग तो ये इस डिसीज़ को होने की संभावना अधिक होती है कंट्रोल की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ द नेप्सिन एसिटिक एसिड या फिर प्लानोफिक्स टू हंड्रेड पी पी एम डूरिंग द अक्टूबर अक्टूबर के समय पर हम एप्लीकेशन कर सकते हैं नैथुर एसिटिक एसिड या फिर प्लानोफिक्स का दो दो सौ ग्राम पी पी एम के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं यदि बात करें बर्ड डरिंग जनवरी एंड फरवरी इज़ बेनिफिशियल टू कंट्रोल द डिसडर यदि हमारी बर्ड आ रही है हमारी डूरिंग द जनवरी एंड फरवरी यदि जब छिड़काव कर दिया जाए तो कंट्रोल अधिक हो सकता है या फिर हम स्प्रे कर दें एथीफोन की चार सौ पी पी एम के हिसाब से ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पॉन्जी टिश्यू चीमा एंड धोनी वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व इस्पॉन्स टीशो इन द मैंगो क्रॉप्स दैट इज इन 1934 यदि बात करें चीना चीमा एंड धानी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था स्पॉन्स टिशू को हमारी आम की फसल में किस सन में किया था गैस उन्नीस सौ में किया था विच इज़ करेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ द नॉन एडिबल सॉर येलोविस एंड स्पॉन्ज लाइक पैचेस विद और विदाउट एयर पॉकेट इन द दिजोकार of the fruit during the ripening in extreme cases the whole face portion become too soft resembling bacterial rot it is a major hindrance for अल्फानसो ग्रोवर यदि बात करेंगे स्पॉन्सी डिशेज़ की तो चीमा एम धानी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था उन्नीस में हमारी आम की फसल में स्पॉन्जी टिशू को इसमें होता है क्या है जो हमारा खाने वाला भाग है वो ना खाने के लिए हो जाता है नॉन नॉन एडिबल हो जाता है उसे हम खा नहीं सकते क्यों नहीं खा सकते सौर और येलोएस यानी खट्टा और अधिक ज़्यादा पीला हो जाता है और इस्पॉज लाइक पेजेस बन जाते हैं उसमें और जो मीज़ो है हमारा वो ऑफ द फ्रूट डूरिंग द रीपनिंग जो मीज़ो है हमारा विदाउट एयर पॉकेट हो जाता है और इसके जो लक्षण है सिम्टम्स हैं जैसे कि हमारा सॉफ्ट रिजेम्बलिंग जो लगता है बैक्टीरियल रोड जो लगता है उसकी जैसे ही मतलब कि मिलती जुलती होती हैं बैक्टीरियल रोड जो लगता है हमारे क्रॉप्स में उससे मिलते जुलते होते हैं और अल्फांसो जो हमारी जो कल्टीवर है जो ग्रोवर्स हैं इसमें मेजर इसमें ज़्यादा ये स्पॉन्जी टिश्यूज़ की प्रॉब्लम आती है यदि कॉजेज की बात करें तो दिस इज द कॉजेज़ बिकॉज रिपनिंग एंजाइम ड्यूरिंग द फ्रूट मैचूरेशन स्टेट बिकम इनएक्टिव ड्यू टू द हाई टेम्परेचर कन्वेंटि हीट ऑन पोस्ट हार्डवेस्ट एक्सपोजर ऑफ फ्रूट टू सनलाइट यदि बात करेंगे इसके कॉजेज की तो हमारी जो मैचूरेशन स्टेज है उस समय पर जो हमारे जो एंजाइम है जो रिपनिंग एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से अधिक तापमान हो जाने से जो पकने के समय पर हमारे जो फल हैं उनका जो रिपनिंग एंजाइम है वो इनएक्टिव यानी कि अक्रियाशील हो जाता है जिसकी वजह से स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम हमारी क्रॉप्स में आती ही है ठीक है कंट्रोल की बात करेंगे तो हार्वेस्ट ऑफ फ्रूट एट द थ्री फोर्थ मैच्योरिटी स्टेज ठीक है और पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर बिटवीन द टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर टेन टू एटीन हावर यूज फॉर ब्लैक पॉलीथिलीन मल्च यदि बात करेंगे इसके कंट्रोल की तो हम ब्लैक पॉलीथीन मल्च का प्रयोग कर सकते हैं रेसिस्टेंट वैरायटी उगा सकती है जिसकी रत्ना हो गया अर्का हो गया पुनीत हो गया और अर्का अरुणा हो गया ठीक है और हार्वेस्टिंग करेंगे हम अपने फ्रूट को तो थ्री फोर्थ मेच्योरिटी स्टेज पर यानी कि जब हमारे फल तीन से चौथा ही भाग पक जाए तब हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो ये थी कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो क्रॉप्स की यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे एंड लास्ट में एक बात और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए